नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AS अकेडमी और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं RRB NTPC एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चंस दोस्तों, जनरल साइंस के। दोस्तों, मैंने आपके लिए कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो पर आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दूसरा वीडियो जरूर दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहला। उसके पहले बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साइन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक पहला है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, यानी जो प्रकाश हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो फोटोन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, जो प्रकाश की तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग या उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, प्रकाश की तरंग हमेशा याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था वह किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा या प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी हाइगेंस के द्वारा यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या ध्रुवणम के कारण या परावर्तन के कारण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ध्रुवणम के कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो प्रकाश है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बनाया, यह सर्वप्रथम किसने बताया, यानी किसने बताया था कि भैया प्रकाश की जो एक प्रकाश है यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, न्यूटन ने, हाइगेंस ने, मैक्सवेल ने या फोकाल्ट ने। तो जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, यानी मैक्सवेल ने बताया था कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रोमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने या फोकाल्ट ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रोमाल्डी ने यह बताया था कि जो प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही रहेगा इसके लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या न्यूटन ने। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, विवर्तन, ध्रुवण या परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना। जैसे कोई प्रकाश है और एक पिलिप पृष्ठ है, जैसे एक पृष्ठ है ये चिकना पृष्ठ है और यदि कोई भी प्रकाश की किरण है जो इस पे गुजर रही है, गुजरने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें तीक्ष्ण होती हैं, प्रगामी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं या अनुदैर्ध्य होती हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा, अनुप्रस्थ होती हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, प्रकाश का जो वेग सर्वप्रथम गैलीलियो ने,
न्यूटन ने, रोमर ने या माइकेलसन ने? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम आपका रोमर ने ज्ञात किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग जो अधिकतम किस में होता है? हीरे में, निर्वात में, पानी में या कांच में? तो जो प्रकाश का अधिकतम वेग होता है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा किस में होता है? निर्वात में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, यानी जल, कांच व हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वह किस क्रम में होती है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जल, जल के बाद कांच, कांच के बाद हीरा, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा में से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड या 100 सेकंड? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 1.3 सेकंड या 1.28 सेकंड लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? जो सूर्य का प्रकाश होता है वह धरती पर आने तक उसको लगभग कितना समय लग जाता है? 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.18 मिनट और 3.6 आवर्स? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? 8.18 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति होती है, अब जो प्रकाश की गति होगी दोस्तों, प्रकाश की गति क्या होगी? याद रखिएगा, प्रकाश की गति 3 × 108 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कौन सा भाग दिखाई देता है, यानी जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडले, क्रीट यानी कोरोना, प्रभाव मंडल या कोई भाग नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, क्रीट यानी कोरोना जिसे बोलते हैं, वह भाग हमारे लिए दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसका अधिकतम समय कितना होता है? 250 सेकंड, 460 सेकंड या 500 सेकंड या 600 सेकंड? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 460 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी यानी 460 सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, चंद्रमा जब बीच में होता है तब जाके सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, जो चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, आपको पता होगा कि चंद्र ग्रहण अधिकतर, मतलब अधिकतर क्या, अमावस्या के दिन ही घटित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन? तो इसका जो सही आंसर होगा, अमावस्या के दिन ही यह सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या परिक्षेपण के कारण? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कारण, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह सिक्का थोड़ा सा उभरा हुआ यानी उठाया हुआ दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या परावर्तन के कारण? तो जो उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये भी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों ये किसके कारण होती है, परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन या उत्प्लावन? तो दोस्तों ये होती है आपकी अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीट कर दिए। सेकंड वीडियो था, थर्ड वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अब दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद जरूर करेंगे और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।